डियर uh, स्टूडेंट्स uh, मुझे इस मॉड्यूल में आपसे सेंटेंस डेवलपमेंट के बारे में बात करती है करनी है कि हम किस तरह सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में uh, या किसी भी और लैंग्वेज में अगर हम देखें एनी uh, हाउ हमारा फोकस इंग्लिश लैंग्वेज में इस वक्त होगा तो हम किस तरह हम अपने सेंटेंस डेवलप करते हैं तो सेंटेंस को तो पहले हम देखते हैं कि वट इज़ सेंटेंस सेंटेंस अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट टाइपिकली इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट तो क्या करता है यानी ये एक सेंस कन्वे करता है पूरी एक सेंटेंस जो होता है एक पूरा आइडिया या उस एक सेंस को कन्वे करता है आ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास विच कंटेन् सब्जेक्ट एंड एंड पेडिकेट एंड एक्सप्रेस कंप्लीट थाट फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द स्टोर तो मैं स्टोर पर जा रहा हूं तो ये एक पूरी सेंस कन्वे हो रही है सेंटेंस में और हमें हम सेंटेंसेस uh, का एनालिसिस भी करते हुए देखना है वैसे सेंटेंसेस जो है उनको हम इंग्लिश uh, में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल पर हम उनको uh, जोड़ते हैं कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है ये uh, दो सेंटेंसेस से ज्यादा हो सकता है यानी ये ये कंसिस्ट करता है कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस दैट आर ज्वाइंट बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे सच वो कौन से हैं एज एंड बट और और फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू द स्टोर बट आई एल बैक आई एल बी बैक सून तो मैं स्टोर पर जाऊंगा और जल्द वापस आ जाऊंगा अब इसमें दो सेंटेंसेस को मिलाकर Uh, कॉमा से और बट से मिलाकर इसको मतलब है दो सेंटेंस तो मिलाकर कॉम्प्लेक्स uh, या कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया so, like because, although, है सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैव एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास जॉइंट बाई सुबार्डिनेटिंग कंजक्शन लाइक बिकॉज ऑलदो और इफ अब मिसाल इसकी यह है बिकॉज आई एम गोइंग टू द स्टोर आई विल बैक सून तो ये दो सेंटेंसेस को मिला कर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सेंटेंस बना और फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा इसमें क्या होंगे कि टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और वन जो है डिपेंडेंट क्लास होगी ठीक है मिसाल इसकी ये दी जा सकती है आई एम गोइंग टू द स्टोर बट आई बैक सून इफ आई कैन फाइंड वट आई नीड तो अब अब देखें इसमें दो कंपाउंड दो जो है इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लास है सो so, इस तरह मिलाकर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना जा बनता है और अब देखें जो क्लासेज में क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट वाला जो कोई भी नाउन फ्रेजर प्रोनाउन होगा वर्ब विद नो टेंस फिर दैट क्लास दैट प्लस सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो आ, उसमें जो प्रेडिकेट है वो क्या है मेन वर्फ फ्रेज है वर्फ फ्रेज विध टेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट के लिहाज से होनी चाहिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंग वो वर्ब उस होगा अगर प्लूरल है तो वो मतलब उस लिहाज से वो आएगा और ऑब्जेक्ट कॉम कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक है इसमें ये नहीं एक्चुअल ये सब जो सेंटेंस है उसका एनालिसिस है जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है तो सेंटेंस डेवलपमेंट कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग फैक्टर्स। नंबर वन अगर हम उसे देखें तो चाइल्ड्स काग्नेटिव एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करती हैं कि अगर काग्नेटिव और लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो अच्छी हैं किसी बच्चे की तो उसकी लैंग्वेज जल्द डेवलपमेंट होगी सोशल एंड कल्चरल इन्वामेंट तो सोशल और कल्चरल इन्वामेंट जो है ये इसमें कम्युनिटी uh, और प्लस घर या जिस इदारे में या जहां बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा है तो उनको मिलाकर ये बनता है तो ये सोशल और कल्चरल इन्वामेंट भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल अदा करता है और स्ट्रॉग वर्किंग मेमरी चाइल्ड की जो मेमरी है अगर स्ट्रॉग वर्किंग मेमरी होगी तो भी फॉर एंड एंड यूजिंग सूटेबल पंक्चुएशन टू मेक क्लियर एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो उसको पंक्चुएशन का इस्तेमाल भी आना चाहिए और उसके बगैर वो क्लियर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना सकता सो अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसके बगैर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव और क्लियर नहीं हो सकती और बाई मास्टिंग डिफरेंट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर स्पीकर एंड राइटर्स कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स वो डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे कर सकते हैं क्योंकि जो डिफ वर्ड्स हैं उसकी डिफरेंट लैरिक्स होती हैं डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं कॉन्टेक्स के लिहाज से और वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज को फिर एंड क्रिएट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करने करते हुए वो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो ये था जनाब सेंटेंस डेवलपमेंट के बारे में बात की कि सेंटेंस हम कैसे डेवलप करते हैं और सेंटेंसेस का हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आ, इस में मैंने अभी बात की आपसे इस मॉड्यूल में